Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, as all of you know that we are doing our chapter number 4th, and in yesterday's lecture we have completed the topic career option in physical education. Now students, beta aaj ka jo hamara topic hai वो एक्सप्लेन द अवेन्यूज ऑफ कैरियर प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन पे रहेगा. जो आपकी बुक में टॉपिक इस तरह से है, अवेन्यूज ऑफ कैरियर प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन. कौन कौन से अवेन्यूज हैं जिसके थ्रू हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं. नाउ योर आंसर इज, टू मेक अ गुड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन फॉलोइंग अवेन्यूज हेल्प देम इन देयर प्रिपरेशन. इन्होंने बोला है कि अगर हमने कैरियर बनाना है फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड, तो यहाँ पर किस चीज़ की नीड पड़ेगी, हमें फॉलोइंग अवेन्यूज की, मतलब कि फॉलोइंग स्टेप्स की नीड पड़ेगी जो हमें हेल्प करेंगे कहाँ पर कैरियर बनाने में, फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग कैरियर बनाने में. दीज अवेन्यूज हेल्प अ पर्सन टू मेक अ गुड स्टेटस एंड गुड पर्सनैलिटीज इन देयर प्रोफेशनल लाइफ. और ये जो अवेन्यूज होते हैं, ये एक इंडिविजुअल पर्सन को कैसे हेल्प करते हैं, एक तो गुड स्टेटस बनाने में और एक इंडिविजुअल पर्सन की गुड पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, जब वो क्या करता है, प्रोफेशनल वे में अपनी लाइफ को स्पेंड करता है. नाउ योर फर्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. फर्स्ट पॉइंट हमें क्या हाईलाइट करता है कि अगर हमने क्या करना है, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग. टू मेक अ कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन वन मस्ट डेवलप एन इंटरेस्ट इन एवरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स. अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को अपना कैरियर बनाना है फिजिकल एजुकेशन में, तो सबसे पहले उसको किस चीज़ की नीड पड़ेगी कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए हर एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स में. सेकेंड पॉइंट इज प्रोफेंट्री इन वन आर टू गेम्स. तो हम इस पॉइंट से ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए एक या एक से ज़्यादा गेम्स में. वन मस्ट गेट हाई लेवल ऑफ परफेक्शन इन वन आर टू गेम्स एंड डेवलप गुड मास्टरी अवर देम. एक जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसने अपना फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग कैरियर बनाना है, तो वो क्या होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा गेम्स में मास्टर होना चाहिए. उसकी जो लेवल ऑफ वर्क है उसमें क्या होनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ परफेक्शन होनी चाहिए, सो दैट कि अगर उसने अपना कैरियर बनाना है तो वो इजीली क्या कर सके, कैरियर बना सके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग पैटर्न्स. तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग पैटर्न्स को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. Understanding the training patterns, it also improves on ability. Moreover, it helps them in their career. अगर हम क्या करते हैं, different different training patterns को understand करते हैं, तो उससे क्या होगा, एक individual person की ability develop होगी. अब ability क्या होती है कि एक जब individual person क्या करता है, work को perform करता है, तो उसमें कितनी क्षमता है work को perform करने की. Moreover, it helps them in their career. इसी के साथ training patterns किस में help करते हैं, एक individual person को career बनाने में. Now, next point is understanding and checking on mistakes. तो ये point हमें कैसे highlight कर रहा है, ये बता रहा है कि अगर हमने फिजिकल एजुकेशन में कैरियर बनाना है, तो एक स्टेप हमें ये भी फॉलो करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा खुद को और अपनी मिस्टेक्स को चेक करना पड़ेगा. दीज हेल्प टू एनालाइज ऑन मिस्टेक्स एंड डेवलप एबिलिटी टू करेक्ट देम. ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को हेल्प करता है कि वो अपनी ऑन मिस्टेक्स को क्या करे, एनालाइज करे, और उनमें इतनी एबिलिटी को डेवलप करता है कि वो क्या कर सके, जो मिस्टेक एनालाइज की हैं उनको करेक्ट कर सके. दीज हेल्प्स टू इम्प्रूव ऑन परफॉर्मेंस. इसी के साथ एक इंडिविजुअल पर्सन में एक एबिलिटी डेवलप होती है कि वो अपनी खुद की परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके. दीज आल्सो डेवलप्स टीचिंग पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग मेथड्स. इसी के साथ ये एक इंडिविजुअल पर्सन में क्या डेवलप करते हैं, टीचिंग पैटर्न्स को और टीचिंग मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्टेंट टू कोच. जैसे हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसने आगे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में क्या रखे होते हैं, असिस्टेंट रखे होते हैं जो क्या करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं.
This helps to understand the coaching, training and teaching skills properly. Moreover, it helps them in future. बेसिकली वेन्यूज़ हमें किस में हेल्प करते हैं कि हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवा सकें कोचिंग के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, टीचिंग स्किल्स के बारे में, और ये एक इंडिविजुअल पर्सन को कैसे हेल्प करते हैं कि वो क्या कर सके, फ्यूचर बना सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू डेवलप हाई लेवल ऑफ फिटनेस. गुड फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव्स ऑन एफिशेंसी अलॉन्ग विद गुड हेल्थ, दस इट हेल्प्स हाई लेवल ऑफ फिटनेस. अगर हम बात करें गुड फिजिकल फिटनेस की, तो वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, और इसी के साथ वो क्या करेगा, एक पर्सन की गुड हेल्थ को भी मेंटेन करेगा, और इससे क्या होगी, जो लेवल ऑफ फिटनेस है वो कैसा होगा, रेज होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मॉरल वैल्यूज एंड गुड करेक्टर. तो फिर एक इंडिविजुअल पर्सन में क्या होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए और उसका जो करेक्टर है वो गुड होना चाहिए. Moral values and good character help in the personality development and are also helpful in career. अगर हम moral values की बात करें तो वो एक individual person की personality development में help करता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक individual person में ethics values हैं तो वो क्या करेगा, अपने आप को अच्छे से represent कर पाता है, तो वही चीज़ क्या करेगी, उसकी personality को रिफ्लेक्ट करेगी. तो कहीं ना कहीं जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं या गुड करेक्टर होता है वो किसकी डेवलपमेंट करता है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करता है, और इसी के साथ वो कैसे हेल्पफुल है पर्सन का कैरियर बनाने में. टू डेवलप स्पोर्ट्स इथिक एंड स्पोर्ट्समैनशिप. अगर हम स्पोर्ट्स इथिक की बात करें या स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें, तो हमें पता है कि फिजिकल एजुकेशन में ये चीज़ क्या होती है, कॉमन होती है. द गुड स्पोर्ट्स इथिक एंड स्पोर्ट्समैन स्प्रिट डेवलप्स हाई लेवल ऑफ सोशलाइजेशन. अगर हम गुड स्पोर्ट्स इथिक की बात करें या स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें, तो वो क्या डेवलप करता है, हाई लेवल ऑफ सोशलाइजेशन, कि सोसाइटी में हाई लेवल के स्पोर्ट्स इथिक को डेवलप करता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हाई सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. और जो किस में हेल्पफुल होती है, हाई सक्सेस को अचीव करने के लिए हर एक लाइफ के हर एक कंडीशन में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी मीन्स. अगर हम सेफ्टी मीन्स की बात करें बेटा, दिस एस्पेक्ट्स मेक अस अवेयर अबाउट द सेफ्टी मीन्स. हमें पता है सेफ्टी मीन्स क्या होते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्लेइंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना पड़ता है, कि अगर हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलेंगे तो वहाँ पर हमें इंजरी होने के चांसेस नहीं होते, या फिर आप ये बोल सकते हो अगर हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं. दिस aspects make us aware about safety means and develop the habit of using preventive means. Safety measures एक individual person को कैसे help करता है career बनाने में, ये क्या करता है, एक individual person के अंदर good habits को develop करता है, और इसी के साथ preventive means को develop करता है. Physical education promotes the preventive, curative and सेफ्टी मीन्स. इसी के साथ जो फिजिकल एजुकेशन है वो क्या प्रमोट करती हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एज वेल एज सेफ्टी मीन्स को. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट्स. तो आपको पता है इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, जब हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है, इक्विपमेंट्स की. जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको बैट, बॉल, पैड्स, हेलमेट, इन सब की नीड पड़ेगी. दीज आर नोन एज योर इक्विपमेंट्स. नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट्स सरफेस और ग्राउंड मेकिंग मार्किंग द ग्राउंड इक्विपमेंट्स हेल्डिंग एंड इट्स प्रॉपर यूज हेल्प अ प्लेयर इन द फ्यूचर लाइफ. इन्होंने बोला है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रॉपर नॉलेज है इक्विपमेंट्स की, या फिर ग्राउंड मेकिंग की, या फिर जो मार्किंग होती है ग्राउंड्स पे, इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है, प्रॉपर यूज़ कैसे करना है इक्विपमेंट्स का, तो वो कहाँ पर हेल्प करती है इंडिविजुअल पर्सन को फर्दर फ्यूचर में, फ्यूचर लाइफ में वो क्या करेगी, इंडिविजुअल पर्सन को हेल्प करेगी. एंड लास्ट वन इज़ योर नॉलेज ऑफ पोस्चर, डाइट, रिहेबिलाइजेशन, एक्सरसाइजेस. अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, गुड पोस्चर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि उसने अपना पालन पोषण कैसे करना है, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, और कौन सी रिहेबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज हैं जिनको वो परफॉर्म करके दोबारा से क्या हो सकता है, एनर्जी को रिबिल्ड कर सकता है.
Good knowledge of correct posture, diet and nutrition, rehabilitation exercises, hygiene habits, healthy environment, etc. open up wide perspectives of career in future. इन्होंने बोला है कि अगर आपको क्या है, प्रॉपर नॉलेज है गुड पोस्चर की, या फिर आप ये बोल सकते हो डाइट की, न्यूट्रिशन की, रिहेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस की, हाइजीन हैबिट्स की, हेल्दी इन्वायरमेंट की, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक वाइड प्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट्स बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हो, कैरियर बनाने में हेल्प करती हैं. इसलिए अगर एक इंडिविजुअल पर्सन में इन सब चीज़ों की नॉलेज है तो वो ईजिली क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अपना कैरियर बना सकता है, और ये चीज़ें क्या करती हैं, उसको फ्यूचर कैरियर में भी हेल्प करती हैं. बेटा ये था आपका एक्सप्लेन द अवेन्यूज ऑफ कैरियर प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन का आंसर. इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं जो आपकी बुक में होंगे, उन पॉइंट्स को आपको आंसर में नोट डाउन नहीं करना है क्योंकि वो अनदर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा. इसलिए जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको इस लेक्चर में बताए हैं आप वही इस आंसर में नोट डाउन करोगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.